नमस्कार, औजार नाऊ चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको गैस के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। बहुत से लोगों को फैब्रिकेशन करना है, लेकिन फैब्रिकेशन लाइन में गैस समझ में नहीं आता है। एक्चुअली हम गैस कैसे समझें, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गैस में कैसा रहता है, एक नंबर से लेके 36 नंबर तक गैस है। मतलब फैब्रिकेशन लाइन में इतना ही ज़्यादातर है। ये आपके सामने गेज मीटर है, अभी आपको जो दिखाया गया है, ये देखिए, ये देखो, ये गेज मीटर है, ये आपको दिखाया गया है। इसमें नंबर देखिए, शून्य से लेके एक से लेके 30 तक गेज है, फिर 31 है, 32 है, 33 है, ऐसा 36 गेज तक हमको इस गेज में चेकिंग होता है। ये देखो, यहाँ एक स्लॉट दिया गया है, ये स्लॉट में हम पत्रा डालते हैं, पत्रे का शीट डालते हैं। अगर वो उसमें सही तरह से गई तो समझो ओ गेज का वो पत्रा है। एक्चुअली आपका जैसा अनुभव बढ़ेगा, उसके बाद आपको अपने आप ये सब गेज आना चालू हो जाएगा। फैब्रिकेशन लाइन में जैसे कपाट बनाते हैं, कोई कपाट का कारखाना डालता है और उसको गेज समझ में नहीं आता है, तो उसने क्या करना चाहिए, कपाट में ज़्यादा से ज़्यादा 19 गेज से लेके 26 गेज तक पत्रा यूज़ होता है। अभी कोई कोई कस्टमर आता है और बहुत से लोगों को ऐसा मालूम नहीं रहता है। आपने अगर उसको बताया कि 19 गेज का पत्रा वापरेंगे, तो वो बोलता है नहीं नहीं, हमको तो 24 गेज का चाहिए। तो उल्टा 24 गेज उससे भी पतला होता है, क्योंकि गेज का नंबरिंग उल्टा होता है, गेज का नंबरिंग सीधा नहीं होता है। जैसा 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ऐसा ये गेज बढ़ते नहीं जाता, ये घटते जाता है। ये जाड़ा है, ये उससे पतला है, ये उससे पतला है, ये उससे पतला है, ऐसा 18 गेज से पतला कौन सा हो जाएगा, 20 गेज हो जाएगा, उससे पतला कौन सा हो जाएगा, 22 गेज हो जाएगा। और ये बाजू में हम जाएंगे, समझो 18 के इधर जाएंगे तो 16 गेज ये जाड़ा हो गया, 14 गेज उससे जाड़ा हो गया, ऐसा नंबरिंग होता है। अभी आप देखिए 10 गेज माने क्या होता है, 3 mm माने 10 गेज। फिर 12 गेज की सीट आती है, फिर उसके बाद आता है 14 गेज। तो ऐसा ही अलग अलग गेज का सेटिंग होता है। अभी वेडिंग राड हम यूज़ करते हैं, तो वेडिंग राड कितना गेज का आता है, अब हम बोलते हैं 3.15 का वेडिंग राड चाहिए, तो इसको क्या बोलते हैं, 10 गेज बोलते हैं। मतलब ये 10 गेज का वेडिंग राड हो गया, ये वेडिंग राड है, ये 10 गेज का है, ये हम हमेशा यूज़ करते हैं। तो ऐसा एक गेज का जो नंबर है वो उल्टा होता है, तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि गेज कैसा हम पता करें। तो हमेशा गेज में ये ध्यान रखिए कि गेज उल्टा होता है, जैसा कि नंबर जैसा कम होते जाएगा, गेज का थिकनेस बढ़ते जाएगा, तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और प्रैक्टिकल के बाद आपका जब अनुभव बढ़ेगा, तो आपको अपने आप गेज हाथ में, जैसा आपने पत्रा ऐसा ये देखिए, ये हमने पत्रा हाथ में पकड़ लिया, तो हमको पता चलेगा ये 22 गेज है, ये 24 गेज है, अपने आप आपको जैसा आपका नॉलेज बढ़ेगा वैसा अपने आप आ जाएगा। तो ये सबसे ज़रूरी बात ये समझनी चाहिए। धन्यवाद।